हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ई डेरी आपको क्रीम क्या है और वह कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताएगा। दोस्तों, क्रीम दूध का हाई फैट कंटेंट वाला कंपोनेंट होता है। जब होल मिल्क को क्रीम सेपरेटर में डालकर क्रीम और स्की मिल्क को अलग किया जाता है, दूध में से क्रीम निकालने के और भी कई तरीके हैं और ई डेरी क्रीम सेपरेशन वाली वीडियो में उनके बारे में बता चुका है। आप आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, क्रीम निकालने के लिए दूध को अनहोमोजेनाइज्ड होना जरूरी है। होमोजेनाइज दूध की क्रीम सेपरेट करना बहुत मुश्किल का काम होता है। FSSR 2011 के अनुसार क्रीम मुख्य रूप से भैंस, गाय या दोनों के कंबाइंड मिल्क से बनाई जाती है। FSSR लीगल रेगुलेशन के अनुसार क्रीम में कोई भी स्टार्च या अन्य इन्ग्रीडियंट्स ऐड नहीं करना चाहिए। क्रीम को मुख्य रूप से तीन कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है लो फैट क्रीम। इन क्रीम में मिल्क फैट 25% से कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड है मीडियम फैट क्रीम। इस क्रीम में मिल्क फैट 40% से कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड है हाई फैट क्रीम। इस क्रीम का मिनिमम मिल्क फैट परसेंटेज 60% होना चाहिए। नॉर्मली क्रीम का फैट परसेंट 18 से 85% के बीच रहता है। क्रीम की क्लासिफिकेशन मेनली दो ग्रुप में होती है। फर्स्ट है मार्केट क्रीम। मार्केट क्रीम डायरेक्ट कंजप्शन के काम आती है। मार्केट क्रीम की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। वहीं सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल क्रीम। यह क्रीम डायरेक्ट कंजप्शन के काम नहीं आती, बल्कि यह क्रीम फर्दर मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे बटर, घी और अन्य प्रोडक्ट्स बनाने के काम आती है। अब देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ क्रीम। फर्स्ट है टेबल क्रीम। यह क्रीम डायरेक्ट कंजप्शन के काम आती है। टेबल क्रीम में फैट परसेंटेज 18 से 22% तक वेरी करता है। लाइट और थिन क्रीम। यह क्रीम डायरेक्ट कंजप्शन और क्रीम कोटेज चीज़ बनाने के काम आती है। इनका फैट परसेंटेज 20 से 25% वेरी करता है। थर्ड है कॉफ़ी क्रीम। ये क्रीम कॉफ़ी बनाने के काम आती है। ये फ्रेश थिन टाइप क्रीम होती है जिसका फैट परसेंटेज 18 से 25% तक वेरी करता है। फोर्थ हैवी क्रीम। ये क्रीम बटर, आइसक्रीम बनाने के काम आती है। हैवी क्रीम का फैट परसेंटेज 30 से 40% के बीच रहता है। फिफ्थ है प्लास्टिक क्रीम। प्लास्टिक क्रीम बनाने के लिए पहले दूध से 30 से 40% फैट वाली क्रीम निकाली जाती है। फिर 30 से 40% वाली क्रीम को रीसेपरेट करके क्रीम की फैट परसेंटेज 85% तक बढ़ा दी जाती है। 85% फैट होने के कारण प्लास्टिक क्रीम को मेनली घी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ है व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए नॉर्मल 30 से 40% फैट वाली क्रीम में एयर यानी हवा को इनकॉर्पोरेट यानी डाल दिया जाता है, जिससे क्रीम की वॉल्यूम और व्हिपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है। व्हिप्ड क्रीम को 10 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखा जाता है। व्हिप्ड क्रीम नॉर्मली केक और आइसक्रीम पर डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। सेवन्थ है सोर क्रीम। सोर क्रीम बनाने के लिए पहले नॉर्मल क्रीम को पास्चुराइज और होमोजेनाइज करके उसमें लैक्टिक एसिड और अरोमा प्रोड्यूसिंग शटर कल्चर डालकर इनको बेट कर दिया जाता है। फर्मेंटेशन होने पर क्रीम में 0.6% लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है और क्रीम थोड़ी खट्टी हो जाती है। एट्थ है क्लोटेड क्रीम। क्लोटेड क्रीम बनाने के लिए दूध को 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके सेलोपेन में छोड़ दिया जाता है। 24 घंटे रखने के बाद सेलोपेन में मौजूद दूध के ऊपर एक क्रीम लेयर बन जाती है। ये क्रीम लेयर ही क्लोटेड क्रीम होती है। नाइन्थ है फ्रोजन क्रीम। क्रीम की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पहले पास्चुराइज कर दिया जाता है, फिर ठंडी होने पर उसे क्विकली फ्रीज करके -12 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया जाता है। फ्रोजन क्रीम नॉर्मली आइसक्रीम बनाने के काम आती है। 10th है स्टेरलाइज्ड और कैन क्रीम। इसमें क्रीम को पहले होमोजेनाइज किया जाता है, फिर 16 डिग्री टेम्परेचर होने पर क्रीम में 0.2% ट्राई सोडियम फॉस्फेट डाल दिया जाता है। ट्राई सोडियम फॉस्फेट क्रीम में स्टेबलाइजर के काम आता है। फिर क्रीम को बॉटल्स या कैन में पैक करके 114 डिग्री सेल्सियस ±1 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 मिनट के लिए हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर कूल करके स्टेरलाइज क्रीम को स्टोरेज में रख दिया जाता है। 11th है रिकन्स्टिट्यूटेड क्रीम। रिकन्स्टिट्यूटेड क्रीम बनाने के लिए सेपरेटेड मिल्क यानी स्की मिल्क में प्लेन अनसाल्टेड बटर को मिक्स कर दिया जाता है। बटर ऐड करने से फैट परसेंटेज बढ़ जाता है जो कि रिकन्स्टिट्यूटेड क्रीम कहलाती है। 12th है सिंथेटिक क्रीम। यह एक आर्टिफिशियल क्रीम है। इसमें मार्गरिन फैट जो कि बटर का सब्स्टिट्यूट होता है उसका यूज किया जाता है। यह दिखने में नॉर्मल क्रीम की तरह ही होती है। लास्ट है वे क्रीम। वे क्रीम का प्रोडक्शन लिक्विड वे से होता है। वे लिक्विड को हाई टेक सेपरेटर से
पास किया जाता है, जिससे वे में मौजूद फैट अलग हो जाता है। इन्हीं फैट को कंबाइन में वे क्रीम कहते हैं। इसकी कंपोजिशन मिल्क क्रीम से अलग होती है। आज के लिए बस इतना ही।